पश्चिम बंगाल के बीरभूम में 21 मार्च को तृणमूल कांग्रेस के स्थानीय नेता भादो शेख की हत्या कर दी गई थी। इस घटना के बाद इलाके के तकरीबन 8 घरों को आग के हवाले कर दिया गया। इस हिंसा में 8 लोगों की मौत हो गई है। भादो शेख की हत्या और घरों पर आगजनी की घटनाओं के मामले में पुलिस ने 2 FIR दर्ज की है। इस दौरान सोशल मीडिया पर भाजपा नेता इस घटना को सांप्रदायिक रंग देकर शेयर कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि घरों को आग के हवाले करने की घटना में मारे गए 8 लोग हिंदू हैं। भाजपा विधायक राजा सिंह ने इस पूरे मामले पर यह बयान दिया। पूरा हट में 10 लोगों को जिंदा जला दिया गया। एक माफिया TMC का एक गुंडा जो कि जबरन पैसा वसूली, लैंड ग्राफिंग, उस प्रकार से वो कार्य करता था, उसको किसी ने मार दिया। तो TMC के गुंडे जो मुसलमान है, वो लोगों ने निर्दोष हिंदुओं को टारगेट किया, घर को लॉक करके 7 जनी को एक जगह जिंदा जलवा दिया और 3 जनी को जिंदा जलवा दिया। बंगाल में आज हिंदुओं की यह परिस्थिति है। साथ में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह से मांग की कि बंगाल में हिंदुओं को अपने बचाव के लिए घर में बंदूक रखने का कानून लाया जाए। स्वातंत्र वीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक के चेयरमैन रंजीत सावरकर, भाजपा नेता उदय प्रताप सिंह, हिंदू युवा वाहिनी गुजरात के प्रभारी योगी देवनाथ, सुदर्शन न्यूज से जुड़े पत्रकार संतोष चौहान और RSS सदस्य सुनील मित्तल ने भी ऐसा ही दावा ट्वीट किया। इस हिंसा को लेकर छपी रिपोर्ट्स पढ़ने पर हमें मालूम हुआ कि सोशल मीडिया पर हिंसा में हिंदुओं के मारे जाने का दावा गलत है। हिंसा में मारे गए लोगों के रिश्तेदार मिहिलाल शेख ने द टेलीग्राफ को बताया कि बदमाशों ने उनका घर घेर लिया था और बम फेंक रहे थे। मिहिलाल ने अपने परिवार वालों को सोना शेख के यहाँ छुपने भेजा क्योंकि वो घर कंक्रीट से बना था, लेकिन कुछ देर बाद उसने देखा कि लोग घर में प्रवेश करने के लिए ग्रिल काट रहे हैं। उसने कहा कि उसका पुलिस पर से विश्वास उठ गया है। रिपोर्ट में मरने वाले सभी लोग के नाम बताए गए हैं और ये सभी नाम मुस्लिम समुदाय के ही हैं। 23 मार्च को पश्चिम बंगाल पुलिस ने ट्वीट करते हुए बताया था कि बीरभूम के बोक्तोई में किसी भी हिंदू महिला या बच्चे की मौत नहीं हुई है। पश्चिम बंगाल में माहौल खराब करने के इरादे से इस घटना को सांप्रदायिक एंगल देने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऑल्ट न्यूज ने एक स्थानीय पत्रकार से भी बात की, जिन्होंने बताया कि इस हिंसा के बाद 20 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। उन्होंने ये भी बताया कि ये सभी एक ही समुदाय के लोग हैं। रामपुर हाट पुलिस स्टेशन में इस घटना के संबंध में दर्ज की गई शिकायत की कॉपी में लिखा है कि प्राथमिक जांच के आधार पर 22 लोगों के नाम सामने आए हैं और उन पर अलग अलग धाराओं के तहत केस दर्ज किए गए हैं। ऑल्ट न्यूज ने इन नामों को बढ़कर पाया कि हिंसा में आरोपी और पीड़ित सभी एक ही समुदाय के हैं, यानी ये घटना सांप्रदायिक नहीं है। बीरभूम के SP नगेंद्र त्रिपाठी ने भी ऑल्ट न्यूज से हुई बातचीत के दौरान इस बात की पुष्टि की कि आरोपी और पीड़ित सभी अल्पसंख्यक समुदाय के हैं। कुल मिलाकर भाजपा नेताओं और समर्थकों ने सोशल मीडिया पर पश्चिम बंगाल के बीरभूम में हुई हिंसा की घटना को गलत सांप्रदायिक रंग देकर शेयर किया।